हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कॉलेज सॉल्यूशन। आज हम बात करने वाले एलपीयू यूनिवर्सिटी के बारे में, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी। तो ये एस्टैब्लिश हुई 2005 में। अगर लोकेशन की बात करें तो जलंधर पंजाब में है। तो ये प्राइवेट इंस्टीट्यूट है। तो जो ये कंप्लीट कैंपस बना हुआ है इनका 600 एकर्स में, ये वर्ल्ड क्लास इनका कम्प्लीट कैंपस बना हुआ है। तो विद इन द कैंपस आपको यहाँ पर बहुत ही अच्छी फैसिलिटीज आपको यहाँ पर मिल जाती है। एफिलिएशन की बात करें तो AIU से अप्रूव है, UGC से भी अप्रूव है। इसी के साथ साथ ही इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ यूनिवर्सिटी से भी अप्रूव है। अगर हम NRF रैंकिंग की बात करें, जो इन्हें इंजीनियरिंग के लिए मिली थी वो इनको 86 NRF की यहाँ पर इनको रैंकिंग दी हुई है। आपको BTech, BBA, BCA, BCom, MBA ऐसे आपको यहाँ पर कोर्सेस करवाए जाते हैं। अब मोड ऑफ एडमिशन की बात करें तो आपने, अगर आप BTech कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपने 12th में आपके मिनिमम आपके 60% आपके नंबर होने चाहिए। आपने PCM आपने लिया हो फिजिक्स केमिस्ट्री में, साथ ही आपने JEE मेंस का भी एंट एग्जाम आपने दिया हो तो उसके बेसिस पर भी आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो बहुत इजी है आपको एलपी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना। अगर आपका JEE मेंस में भी अगर आपके 80% है तो आप यहाँ पर डेट एडमिशन के लिए भी आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। जो आपके बीटेक कोर्स की फीस है वो आपकी 2,40,000 पर एनएम की है। अगर आप MBA में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपने ग्रेजुएशन आपके मिनिमम आपके 50% नंबर होने चाहिए। आपने कोई भी एंट एग्जाम जैसे कैट का, जेट का, सीमेट का, जीमेट का, उसके बेसिस पर आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। अगर आपका लो परसेंटाइल भी तो भी आप एडमिशन के लिए फॉर्म फिल कर सकते हैं। एडमिशन आपका बहुत ही इजी तरीके से आपका हो जाता है। ऐसे ही अगर आप बी फार्मा में एडमिशन लेते तो आपने 12th में आपके मिनिमम आपके 55% आपके नंबर होने चाहिए तो आप यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। जो आपकी बी फार्मा की फीस है वो आपकी 2,40,000 पर एनम है। अब हम बात करते हैं हॉस्टल चार्जेस की। तो जो आपके हॉस्टल के चार्जेस है वो आपके 65,000 से लेके वो आपके 1,10,000 तक भी आपके हॉस्टल के चार्जेस आपको पड़ सकते हैं। अगर मेस फीस की बात करें तो वो आपको 3,000 से लेके वो आपको 4,600 तक भी आपको मेस के चार्जेस आपको पड़ सकते हैं। वो आपको 3 से 4 तरीके में आपको मेस यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। और भी हाँ, आपको यहाँ पर एक्स्ट्रा पेड फैसिलिटीज आपको यहाँ पर मिल जाती है। जैसे कि आपको जिम की फैसिलिटीज चाहते हैं तो आपको 4 से 6,000 रुपए आपको एक्स्ट्रा देने होंगे। स्विमिंग में, शूटिंग में आप अगर, तो उसके लिए भी आपको 4 से 6,000 रुपए आपके एक्स्ट्रा लगेंगे। अगर ऐसे ही आप स्पोर्ट्स के लिए करते हैं तो वो आपको 2 से 3,000 रुपए आपके एक्स्ट्रा लगेंगे। आपको एलपी यूनिवर्सिटी में आपको स्कॉलरशिप कई तरीके से मिल जाती है। जैसे अगर आपके 10th में 12th में आपके अच्छे परसेंटाइल है, 30% की स्कोर जब आपको मिल, जब आपके 12th में 95% होंगे, ऐसे ही अगर आपके 10th और 12th में 90% है तो आपको 25 की स्कॉलरशिप मिल जाएगी। अगर आपके 85% है 10th और 12th में, 20% की स्कॉलरशिप आपको मिल जाएगी। ऐसे अगर आपने JEE मेंस में भी आपको स्कॉलरशिप यहाँ पर मिल जाती है। अगर JEE मेंस में आपका 95 तक का परसेंटाइल है तो आपको 30% तक की स्कॉलरशिप दी जाती है। अगर आपका JEE मेंस में आपको 90 से लेके 95 के बिटवीन में है तो आपको 20% की स्कॉलरशिप मिल जाती है। एलपीयू नेस्ट एक NEST का जो यहाँ पर एंड एग्जाम होता है, अगर वो आपने दिया हुआ तो उसके बेसिस पर भी आप यहाँ पर स्कॉलरशिप ले सकते हैं। अगर आप 30% की अगर आपको स्कॉलरशिप दी जाती तो आपके 335 आपके नंबर होने चाहिए। ऐसे अगर आप 25 की परसेंटाइल चाहते हैं तो आपने 260 आपके आउट ऑफ 420 में से आपके होने चाहिए। और भी आपको कई तरह की यहाँ पर स्कॉलरशिप आपको देखने को मिल जाती है। अब हम बात करते हैं प्लेसमेंट की। तो जो इनका हाईएस्ट प्लेसमेंट है वो इनका 42 लाख पर एनम का है। जो इनका एवरेज है 4 to 5 लाख पर एनम का है। वैसे इन्होंने जो वेबसाइट पर मेंशन किया हुआ था वो इनका 1 CR का था, वो भी इनके एलपी यूनिवर्सिटी की जो एलमनाई है वो उनको मिला हुआ था। तो यहाँ पर कौन कौन सी कंपनियां आती है प्लेसमेंट, जैसे कॉन्टिनेंट, विप्रो, टेक महिंद्रा, अमेजोन, तो काफी अच्छी अच्छी कंपनियां यहाँ पर प्लेसमेंट के लिए आती है। अब हम बात करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर की। तो एक बहुत ही वर्ल्ड क्लास आपको यहाँ पर फैसिलिटीज आपको यहाँ पर मिल जाती है, क्योंकि वो एकदम 600 एकर्स में ये कंप्लीट कैंपस बना हुआ। तो विद इन द कैंपस आपको यहाँ पर शॉपिंग मॉल भी आपको यहाँ पर मिल जाता है, और यहाँ पर हॉस्पिटल भी आपको विद इन द कैंपस आपको मिल जाता है, डिसेंट आपको यहाँ पर कैफेटेरिया आपको मिल जाता है, आपको विद इन द कैंपस स्पोर्ट्स की फैसिलिटीज आपको मिल जाती है, सेमिनार हॉल, ऑडिटोरियम। तो आप अगर बहुत ही डिसेंट सा इनका इंफ्रास्ट्रक्चर है तो वो आप देख सकते हैं। तो इस एलपी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना इतना टफ नहीं, बहुत इजी है। अगर आपके JEE मेंस में परसेंटाइल ठीक है तो आप एडमिशन के लिए यहाँ पर फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अगर आपने कोई भी एंट एग्जाम नहीं दिया तो इनका जो खुद का एंट एग्जाम कंडक्ट कराते हैं उस पे भी आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर भी आप एडमिशन को ले सकते हैं। अगर आपको एडमिशन से लेकर कोई भी डाउट है तो आप हमें कॉन्टेक्ट करके भी आप उनसे जान सकते हैं। तो इस वीडियो में मैंने आपको एलपी यूनिवर्सिटी के बारे में इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करी है। अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप हमें वीडियो में कॉमेंट करके भी आप उनसे जान सकते हैं। मिलते एक नई वीडियो में। थैंक यू।